दोस्तों इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो ब्लॉग में मैं कुछ ना कुछ डिस्कस करता हूं। आज हम प्रेमचंद्र के बारे में जानेंगे, प्रेमचंद्र की जीवनी देखेंगे और उनका योगदान देखेंगे, क्या योगदान रहा। तो प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इनका 1936 में देहांत हो गया और 1880 में इनका जन्म हुआ था। आगे और देखते हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों को शोषण, समाज में स्त्रियों की तो समस्या रहती है, स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद में कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। देखिए, तो ये था प्रेमचंद का जीवनी, जो भी उनके बारे में मुझे जानकारी थी आप लोगों को बताया। प्रेमचंद जो कि एक बहुत ही महान कथाकार थे और इनके कथा लोक पढ़ते भी हैं, बहुत अच्छा लिखे भी है। जी हाँ, ये गांव से जुड़े हुए थे और इन्होंने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है अपने कहानी लेखन में, इसलिए ये लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो प्रेमचंद के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, इनकी कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगती है हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के ब्लॉग वीडियो पाने के लिए।